उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की संस्तुति पर दिलीप कुमार निषाद को उत्तर प्रदेश का सचिव मनोनीत किया गया है। सचिव मनोनीत होने पर कांग्रेसियों द्वारा दिलीप निषाद का फूल माला पहनाकर एवं लड्डू खिलाकर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके संबंध में नव नियुक्त प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद ने सभी कांग्रेस जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने प्रदेश सचिव की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसको अपने परिश्रम एवं लगन से निभाते हुए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, मुस्तफा अंसारी, अरविंद जायसवाल, नवीन सिन्हा, प्रणव उपाध्याय, श्याम शरण श्रीवास्तव, प्रमोद निषाद, गोपाल गांधी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव नियुक्त प्रदेश सचिव दिलीप निषाद ने कहा, दिलीप कुमार निषाद नव नियुक्त प्रदेश सचिव। राष्ट्रीय सचिव माननीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सचिव बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश आगामी चुनाव भी देखा जा रहा है, जिसमें माननीय अजय कुमार लल्लू जी का सहयोग और उत्तर प्रदेश में निषादों को जोड़ने की भी जिम्मेदारी इस पार्टी के इस पद के माध्यम से मुझे दी गई है, जो मैं अपने यूपी क्षेत्र के अंदर सचिव पद के अंदर मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से निषादों को जोड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करूंगा, जिसमें प्रियंका जी, माननीय अजय कुमार लल्लू जी को और गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित सभी लोगों को मैं इस दिल से धन्यवाद भी देता हूँ।